नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए रीवा जिले की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां प्रयागराज हाईवे में गुरुवार की रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना के बाद डीजल टैंक में जोरदार धमाका हुआ, जिससे उसमें आग लग गई। गनीमत रही कि चालक व खलासी बाहर निकल आए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल भिजवा दिया। वहीं दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया है। घटना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 सुहागी पहाड़ की बताई जा रही है। सतना जिले के अमरपाटन से ट्रक प्लांट लोड करके प्रयागराज जा रहा था। रात करीब 10 बजे ट्रक जैसे ही सुहागी पहाड़ के नीचे उतरने लगा, तभी अचानक चालक नियंत्रण खो बैठा और ट्रक डिवाइडर से टकराकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान ट्रक का डीजल टैंक एक धमाके के साथ फट गया और पूरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक में फंसे 3 लोग तत्काल बाहर निकल आए, जिससे उनकी जान बच गई। घटना से हाईवे में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। चालक व खलासी हादसे में घायल हुए थे, जिनका इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस की सूचना पर दमकल मौके पर पहुंच गया, जिसकी मदद से आग पर काबू पाया गया है। ट्रक में पौधे लोड थे, जो हादसे में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस घटना के बाद हाईवे में आवागमन रोक दिया गया था। पुलिस ने आग बुझाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को किनारे हटवाया। करीब 2 घंटे तक हाईवे में आवागमन रुका रहा, उसके बाद पुलिस ने यातायात बहाल कराया। थाना प्रभारी गोकुलानंद पांडे ने बताया कि पहाड़ से उतरते समय चालक नियंत्रण खो बैठा था, जिससे यह हादसा हुआ है। जांच के बाद ही घटना से जुड़े वास्तविक कारण सामने आएंगे। अगली खबर आ रही है पॉलिटेक्निक कॉलेज को लेकर, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने घोषणा की है कि रीवा के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नाम कल्पना चावला महाविद्यालय किया जाएगा। साथ ही महाविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच भी खोली जाएगी। हम आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री कल्पना चावला की पुण्यतिथि में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं कल्पना कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि हम सभी को कल्पना चावला के जीवन को आत्मसात करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके जीवन से सीख लेकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि संजय गांधी अस्पताल को लेकर आ रही है। हम आपको बता दें कि SGMH में अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला सीधी से आई महिला मरीज को भर्ती ना करने का है। ऐसा आरोप महिला के पति का है। सीधी निवासी महिला के पति ने बताया कि उसके घर में घुसकर बीते 24 जनवरी की रात कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी। इस मारपीट में उसकी पत्नी के कमर में गंभीर चोट आई, जिसका इलाज जिला अस्पताल सीधी में चल रहा था, जहां से उन्हें रीवा रेफर कर दिया गया। जब वे अपनी पत्नी को रीवा लेकर पहुंचे, तो यहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती करने से ही इनकार कर दिया। आर्थिक तंगी होने से वह प्राइवेट अस्पताल में पत्नी का उपचार नहीं करा सकते हैं, जिसके चलते वह SGMH में पड़े हैं।